यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के अपराध का अंत हो चुका है, लेकिन अतीक अहमद की मौत के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस और आम लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। सवाल ये कि अतीक अहमद की हत्या की सुपारी किसने दी? कभी इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, तो कभी इस मामले में पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल एक आरोपी सनी सिंह के पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी के साथ कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं। यूपी के हमीरपुर के जेल में बंद रहने के दौरान सनी सिंह सुंदर भाटी का काफी करीबी हो गया था। इसके बाद जेल से छूटते ही सनी सुंदर भाटी के लिए काम करने लगा। तो क्या सुंदर भाटी ने कराई है अतीक और उसके भाई की हत्या, या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। लवलेश, अरुण और सनी, ये उन तीन हमलावरों के नाम हैं जिन्होंने खुलेआम पुलिस और मीडिया के सामने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस इस हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, इस मामले में कई नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये बात निकलकर सामने आई है कि वारदात में शामिल सनी सिंह का पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन है। कहा जा रहा है कि हमीरपुर जेल में बंद रहने के दौरान सनी सिंह सुंदर भाटी का काफी करीबी हो चुका था। इसके बाद जेल से छूटते ही सनी सुंदर भाटी के लिए लगातार काम करने लगा था। पुलिस को अब शक है कि अतीक और अशरफ की हत्या में प्रयुक्त जिगाना पिस्टल सनी को सुंदर भाटी ने दी थी। दरअसल अतीक और अशरफ हत्याकांड में शामिल तीन शूटर्स में से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला सनी सिंह भी शामिल है। सनी के भाई पिंटू ने बताया है कि सनी आपराधिक किस्म का व्यक्ति, उसके ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। उसके घर में भी किसी से नहीं बनते थे, इसीलिए वो बचपन में ही घर से भाग गया था। पिंटू ने कहा कि वो लोग कुल तीन भाई थे, जिनमें से एक की पहले मौत हो गई। सनी भी बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया। परिवार वालों का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो कोई काम नहीं करता, दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। परिवार में कोई भी उससे बात नहीं करता। जिस पिस्टल से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है, वो जिगाना मेड पिस्टल है। यह पिस्टल तुर्की में बनती है और गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर हमारे देश में लाया जाता है। भारत में इस पिस्टल पर बैन लगा हुआ है। इसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए की बताई जाती है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है। सपा से लेकर बसपा तक और कांग्रेस से लेकर सभी प्रमुख विपक्षी दलों वारदात को लेकर बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी इस हत्याकांड को यूपी सरकार की बड़ी नाकामी कहा है। बसपा चीफ मायावती ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वैसे आपको बता दें कि शनिवार 15 अप्रैल देर रात बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूपी के अलग अलग इलाकों में रहने वाले तीनों शूटर वारदात को अंजाम देकर अपने आप को पुलिस के हवाले करते दिखाई दिए थे। हालांकि पुलिस ने हमलावरों को बहुत ही आसानी से दबोच लिया था। पूरे हमले को बाकायदा मीडिया और पुलिस के सामने अंजाम दिया गया। हत्यारे खुद मीडिया कर्मियों के वेश में वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी गैंग का इस पूरे मामले में जिस तरह से नाम आ रहा है, क्या इसमें कोई सच्चाई है। हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है और अब बहुत जल्दी इस पूरे मामले की रिपोर्ट अब पेश करनी है।